नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिलर फोरम पे। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर मैथ की क्लास के अंदर। तो सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है। चलो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, जिससे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको अपनी PDF नोट्स मिल सके। ठीक है, जिन्होंने अभी वेबसाइट का पता नहीं उनको बता दूं कि अपना ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको जितनी भी नॉलेज है आपकी PDF टेस्ट इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल नोट नहीं किया है वो अपना टाइम टेबल नोट कर लो। जो भी PGT, TGT, KVS, NVS इन सभी की जो क्लासें हैं वो रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी है। 10 बजे से आपको बताऊं कि आपकी मैथ की क्लास होती है, सभी को पता है अपनी मैथ की क्लास 10 बजे होती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास होती है 12 बजे, रीजनिंग की क्लास होती है 12 बजे, सभी को पता है। ठीक है, ये दृश्य आपको देखते ही नजर आया होगा, महाभारत के बारे में है। ठीक है, जो अर्जुन के पुत्र थे उनके बारे में है कि युद्ध उस वक्त किसका था, 5 पांडवों का था और कौरवों का था। लेकिन इस वक्त इस जगह आप खड़े हो और ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ आपका है, लड़ना सिर्फ आपको है, आपका साथ कोई नहीं देगा। यहाँ ना भीष्म पितामह देंगे, ना ही अर्जुन, ना ही कर्ण, ना श्री कृष्ण, यहाँ पे युद्ध आपका है, युद्ध आपको ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज लेकर आया हूं मैं। जीत की खातिर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीत के खातिर जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत गूंज होनी चाहिए। ठीक है, ये आज के लिए आपके लिए बेस्ट है, आपको अच्छा बनाने के लिए। तो आज सभी को पता है कि हमारी एवरेज की क्लास चल रही थी। एवरेज में मैंने आपको सारे क्विज टॉपिक बाय टॉपिक जितने हो सकते थे, मैंने सूत्रों के सूत्र भी बताए हैं आपको। ठीक है, उनसे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, सारे क्वेश्चन करवा दिए थे जितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाने वाला हूं, जो आपके बचे थे कल क्वेश्चन, मैंने 7-8 क्वेश्चन तो आपको करवा दिए थे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आज कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, ये फिर हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात के बारे में। उससे पहले आज एवरेज के जितने क्वेश्चन हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो सभी पेन और कॉपी उठा लीजिए, पेन रफ शीट और कॉपी पेन उठा लीजिए, जिससे आपको कर सको। ठीक है, अदर एग्जांपल जितने होंगे आज हम करने वाले हैं। 7 क्वेश्चनों को मैंने 1 से लेकर 7 क्वेश्चनों को करवा दिया था, आज जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले आपका है, अगर आप कर सकते हो तो आपको आंसर देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, फिर मैं अपना टाइम स्टार्ट कर दूंगा, मैं बताना शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अगर आता हो तो कीजिएगा, अन्यथा फिर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो जो भी करते हो करते रहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ए बी सी का एवरेज वजन दिया हुआ है। जब भी आपको एवरेज दिया होता है, जितनी संख्याओं को आपको एवरेज दिया होता है, जैसे आपके ए बी सी तीन का एवरेज दिया होता है, तो जितनी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका योग आ जाएगा। उन तीनों का क्या हो जाएगा, आपके पास योग आ जाएगा। तो ए बी सी इन तीनों का योग आपके पास कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। मैंने अभी कहा आपसे कि जितना एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है कितनी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तीन संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास इन तीनों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 45 दूनी 90 होता है, और 90 में आग 45 ऐड करोगे 135 बन। क्लियर है, आगे देखते हैं, यहां तक आपका आंसर बन गया। आगे पढ़ो, यदि ए और बी का औसत आपके वजन है 40, यानी अगर ए और बी का आपको क्या पूछा है, टोटल निकालना है, तो क्या करना है, ये दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका औसत आपके पास 40 है। अगर योग पूछता हूं तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि बी और सी का 43 किग्रा है, ये क्या है, एवरेज है, क्या है ये, एवरेज दिया हुआ है किस किस का, बी और सी का। अगर एवरेज आपके पास 43 दिया हुआ है तो आपका योग कितना होगा, कुल भार कितना होगा, वजन कितना होगा, तो आपको 43 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 86 हो जाएगा। आगे पढ़ो, तो बी का वजन पूछा गया है, किसका वजन पूछा गया है, बी का वजन। एक बात ध्यान से देखिएगा कि आपके पास है ए और बी, किसी को भी निकाल लेना, ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ए और बी का योग दिया हुआ है। अगर मैं इस ए और बी की जगह, आपके इस ए बी की जगह आपका 80 रख देता हूँ, की जगह मैंने क्या रखा, 80, ठीक है, प्लस सी आपके पास है ऑप्शन में 135 है। अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 135 के अंदर से 80 माइनस किया, तो आपका आंसर क्या बचेगा, आपके पास 2 और 5 55 बचेगा। करोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में 5 गया 1 बच गया, 8 में 5 गया 3 बच गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर 31 बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज सभी की समझ में आ रही है, डन। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 31 आपका आंसर होगा 8 के। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। चलो आज तो मैं बता देता हूँ, आपके पास जो ये क्वेश्चन है आपको इसको दोबारा के बना देखे निकालना है, ठीक है, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एट वाला सभी के समझ में आया है, जो क्वेश्चन 8 वाला है वो सभी के समझ में आया है। यहाँ पे हर अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको सेम रिवाइज करवाने के लिए किया गया होगा, ठीक है, बाकी सब अलग टाइप का मिलेगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और ए बी मैंने क्या कहा आपको, जब औसत दिया होता है तब क्या करते हो, जितनी संख्याओं का आपको औसत दिया हुआ है उन संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कुल योग आ जाता है उन संख्या, ठीक है। तो आप देखिए, ए बी का अगर मैं कुल योग पूछता हूँ आपसे, ए प्लस बी, इन दोनों का अगर कुल योग पूछा मैंने, तो आपको क्या करना है, 200 आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताने वाला हूँ, देखो ए बी 200 दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे 2 से, तो आपके पास टोटल योग कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। फिर आप करना क्या है, सी और डी का औसत पूछा है, सी प्लस डी, इन दोनों का अगर योग निकालना है, तो औसत आपके पास 250 दिया हुआ है, दोनों का निकालना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, तो ये आपके पास 500। ए बी सी डी औसत आयु क्या है, देखो औसत आयु निकालनी है ए बी सी डी की, तो आपके पास ए बी की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपके पास 900 आ जाएगी। फिर उसको क्या करना है, एवरेज निकालना है, चार संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 4
कार दूनी आठ हो गया आपके पास, यहाँ पे बचा कितना वन, कार दूनी आठ, फिर आपके पास यहाँ बचा कितना टू, और चार पंजे बीस आपके पास 225। अगर इसका शॉर्ट तरीका निकालना है तो क्या करोगे, देखो इसको एक संख्या मान लो और इसको दो संख्या मान लो, दो संख्या हो गए, दोनों को दोनों की एवरेज दिया हुआ है, दोनों को एड कर लो तो आपके पास कितना बचेगा 450 हो गए। जब एक संख्या इसको माना, दो संख्या इसको माना, दो से डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो गया दो दूनी चार हो गए, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या दो दूनी चार हो गए, एक बचा दो पंजे दस आपके पास आंसर बचा। लेकिन इसको संख्या को इसको एक मानना है, इसको दो मानना है, फिर इसका दोनों को एड करके दो से डिवाइड कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका है ठीक वाला। ठीक है, अगर तीन दोनों चारों का एक साथ पूछे ना तब की बात। ठीक है, डन है सभी का। वैसे मैं ऐसी कोई क्वेरी नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो, सारी चीज में पहले ही एक्सप्लेन कर दूंगा, पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी में किसी को डाउट हो तो पूछ, किसी भी जगह आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते। चलें आगे, मेरे पास चीज में प्रॉब्लम आ, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। लगता है कल वाली भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, मेरे पहले मैसेज ही नहीं आ रहे थे। चलो अब ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कीजिए इसको, कीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मैं बताने लग जाऊंगा, हो रहा है। चलो, कोई बड़ा खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देखते हैं कौन जल्दी से आंसर देगा इसका। दो संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, प्रथम पांच संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तीन संख्याओं का भी दिया हुआ है, छठी संख्या का क्या होगा एवरेज पूछा। देखिए जल्दी से, अभी मैंने जो आपको बोला है बेसिक तरीके से करने का, वही सबसे बेस्ट इलाज है कि आपको औसत दिया हुआ है। कितनी संख्याओं का औसत दिया हुआ है, नौ संख्याओं का औसत। अगर नौ संख्याओं का मैं योग करता हूँ तो कितना आता है, वो मैंने आपको तरीका बताया। प्रथम पांच संख्याएं दी हुई है और प्रथम पांच संख्याओं का औसत आपके पास दिया हुआ है। अगर मैं पांच संख्याओं का योग पूछता हूँ तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अंतिम जो तीन संख्याएं हैं उन संख्याओं का आपके पास एवरेज दिया हुआ है, उसका योग भी आप निकाल सकते हैं। जब पांच और तीन आठ होते हैं तो आपका एक संख्या को अगर इसमें से घटा दोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया है, किसी का भी आंसर नहीं आया, जबकि मैंने उत्तर बता दिया है। उत्तर तो नहीं बताया लेकिन मैंने तरीका बता दिया है। बी आंसर आ रहा है, सी आंसर भी आया है, 40 भी आया है। ओके, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, नौ संख्याएं आपके पास दी हुई है और नौ संख्याओं का औसत आपको 30 दिया हुआ है, तो अगर मैं पूछूं नौ संख्याओं का योग कितना होगा, नौ संख्याओं का योग
आपको निकालना है तो कितना हो जाता है आपके पास, 9 संख्याओं का योग आ जाता है, 30 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे 9 से, 34 27 270 हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो 9 30 27 270 हो गए। अगर प्रथम पांच संख्याओं, अगर मैं पांच संख्याओं का टोटल करता हूँ, पांच नंबर ऑफ टोटल टोटल कर देता हूँ का टोटल करता हूँ तो कितना हो जाता है, 25 में 4 125 हो। ठीक है, 125 पांच संख्याओं का टोटल। फिर अगर मैं अंतिम तीन संख्याओं का टोटल पूछता हूँ, अंतिम संख्याओं का टोटल पूछता हूँ तो कितना हो जाता है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 5 3 15 1 और 3 3 9 1 10 आपके पास 100। अब एक बात बताइए, पांच संख्याओं का ये आपके पास है, तीन संख्याओं का टोटल आपके पास है, पांच और तीन संख्याओं को ऐड करते हो आपके पास 8 संख्याओं का टोटल निकलेगा। कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का टोटल निकलेगा, इन दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, 0 आपके पास 1 बचा है, 3 और 2, 230 आपके पास 8 संख्याओं का कितना है टोटल, कितनी संख्याओं का टोटल है, 8 संख्याओं का। 9 संख्याओं का टोटल आपके पास दिया हुआ है, 8 संख्याओं का टोटल आपने निकाल लिया है। अब आपके पास अगर 9 में से 8 गए तो आपके पास एक संख्या बचेगी, जो भी जो हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो 270 में से अगर 230 गए तो आपके पास कितने बचेंगे, 40। तो जिसका भी आंसर 40 है वो उसके आंसर होंगे सी, तो 40 आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ जिसके 40 है आंसर बिल्कुल सही होंगे सी, और डी वाले आंसर 30 क्यों बता रहे थे उनका देख लेना एक बारी, क्यों गलत बताए थे। अच्छा, मिटा भी दिया है गलती से, हाँ उन्होंने पहले 40 बताया। चलो ठीक है, डन। ठीक है, चलो अंतिम वाला आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अंतिम नहीं है, अभी तो क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, कि आपके पास संख्याएं हैं, 30 संख्याओं का एवरेज आपके पास दिया हुआ है, इनमें से प्रथम इतनी संख्याएं हैं 18, उनका एवरेज दिया हुआ है, 11 संख्याओं का दिया हुआ है, अंतिम संख्या क्या होगी। ये इस पर उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी 10 वाला क्वेश्चन गया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन एक तरीके से हो गए, अब अगला वाला क्वेश्चन अलग आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से आंसर बताइए इसका जल्दी से। और 50 आंसर आ रहा है सभी के, डी आंसर आया है। ठीक है, वही काम करना है, एवरेज दिया हुआ है, टोटल पूछता है, तो 15 3 45 आपका कितना हुआ, इन दोनों का टोटल करोगे तो 40 30 संख्याओं का कितना हुआ, 15 3 45 450। ठीक है, इनमें से 18 संख्या दी हुई है, 18 संख्याओं का कितना टोटल हुआ 180। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन वो उसी प्रकार का था, 180 हो गया 18 संख्याओं, 11 संख्याओं का आपके पास टोटल दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 आपके पास 220। अगर आपसे 18 और आपकी अगली संख्या है 11, अगर मैं 18 को और 11 को करता हूँ तो 29 संख्याएं होती है, और 29 संख्याओं का टोटल करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 400 हो जाएगा। ठीक है, और 30 संख्याओं का टोटल आपके पास 450 दिया हुआ है। अगर आपको एक संख्या का पूछा है तो आपका 50 होगा। बताओ इस तरीके से आपको अच्छा लगा, या आपको बेसिक तरीका से बताऊं एक एक चीज। ठीक है, ये तरीका सही है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फिट हो जाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम है ऐसे। चले आगे, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि 11 संख्याओं का औसत आपके पास 7 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो आपकी संख्याओं का नया औसत क्या होगा, आपके सामने है, और जल्दी से आंसर बताइए। बेसिक से बताना है,
देखो बेसिक में इसमें कुछ खास नहीं है। देखो 30 संख्याएं दी हुई है, 30 संख्याएं दी हुई है और 3 संख्याओं का औसत। तो आपको यहाँ लिखना है 30 संख्याओं का औसत एवरेज कितना है 15। अगर मैं 30 संख्याओं का टोटल करता हूँ, 30 संख्याओं का टोटल टोटल करता हूँ तो कितना होता है आपके पास, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 × 30, ठीक है, यही बात है। और 15 × 3 = 45, 450। अगर मैं फिर बात करता हूँ अगले में, इनमें से प्रत्येक 18 संख्याओं का औसत, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि 18 संख्याओं का योग कितना होगा, 18 संख्याओं का टोटल कितना होगा, टोटल टोटल कितना होगा, 18 को मल्टीप्लाई करना है 10 से तो कितना हो जाएगा 100। उसी प्रकार अब क्या करना है, अगली जो 11 संख्या है उन 11 संख्याओं का अगर मैं ये टोटल करूँ का योग टोटल करता हूँ तो कितना होता है आपके पास, 11 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो आपका कितना हो जाएगा 220। देखो बात ऐसी है कि 18 संख्या और 11 संख्याओं को ऐड करता हूँ तो कितनी संख्याएं होती है, 29 संख्या होती है। और 29 का योग कितना होता है, अगर 180 और 220 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनता है, 400। 400 बनेगा ना, 400 आपके पास बनेगा, ठीक है। तो 30 संख्याओं का टोटल कितना है, 30 संख्याओं का टोटल 450 है। अगर मैं 29 संख्याओं का टोटल निकालता हूँ तो आपके पास एक संख्या बचेगी, तो अंतिम संख्या बचेगी, और वो अंतिम संख्या कितनी होगी, 450 में 400 गए तो आपके बच जाएंगे, 450 में से 400 गए तो आपके पास बचेंगे 50। तो इस प्रकार आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, इसमें कोई खास नहीं है। अगर आप बार बार रिपीट करोगे ना इस क्वेश्चन, मतलब 2-3 बार अगर देख लिए ना ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपको फिर बेसिक करने का इतना मैटर करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एवरेज से, फिर इसको इससे, और फिर अपना पैसे घटा के निकाल लोगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस बिना आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका देखिए, इसका आंसर किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, 11 संख्याओं का औसत आपके पास 7 दिया है, यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आया है, ठीक चौदह आंसर आया है, सी आंसर 7 भी आया है। देखो यहाँ पे देख लेना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे 1 है, ये 2 वाला ये है, 3 वाला ये है, और 4 वाला ये है, थोड़ा ध्यान से। डी आंसर, ओके, डी आंसर है, ए आंसर है, 35 भी आंसर आया है। सर कौन सा बता रहे हो, ये भी आ रहा है, फोर्टीन। देखो ध्यान से देखिए, जब 11 संख्याओं का आपके पास एवरेज दिया होता है, जैसे आपके पास कुछ भी संख्याएं हो और उनका एवरेज दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए। एक बात बताइए, जब प्रत्येक संख्या जो आपकी दी हुई है, मान लो कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है, अगर इन संख्याओं का मैं एवरेज निकालता हूँ, जैसे आपको 5 आपके पास दिया हुआ है, 5 और 5 10 हो गया और 15 हो गया, ठीक है, 15 संख्या हो गई आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ 5, तो कितना हो गया, 3, ठीक है। अब ध्यान रखना,
अगर मैं इन सभी संख्याओं को क्या करूँ, दुगना कर दूँ। जैसे इसका मैंने दुगना 2 कर दिया, इसका दुगना मैंने 4 कर दिया, इसका दुगना मैंने कितना किया 6 कर दिया, और इसका दुगना मैंने 8 कर दिया, और इसका दुगना मैंने, देखते हैं फिर क्या होता है। दुगना संख्या वही है, संख्या वही है, क्या होता है, यही पूछा है ना, प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए, प्रत्येक संख्या को दुगनी कर दी जाए तो संख्याओं की नई औसत संख्या क्या होगी। देखते हैं, 8 और 10 आपके पास वही संख्या हो गई है, ठीक है, 10, 20 और 30, ठीक है। अगर संख्या को दुगनी कर दी तो ये भी तो संख्या भी दुगनी होगी क्या, संख्या भी दुगनी हो रही है। प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए, प्रत्येक संख्या क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, तो कितनी हो संख्या, नई औसत क्या होगा, नया औसत 5×5=30, समझे। यानी पहले 3 औसत था और फिर 6 औसत हो गया, मतलब इसका क्या हुआ, दुगना। यानी अगर संख्या दुगनी होगी, क्या बोल रहा है वो, कि संख्या दुगनी होगी तो आपका एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी दुगना हुआ, दुगना हुआ ना। अगर आपको इसको 3 गुना करोगे तो आपका एवरेज भी कितना होगा, दुगना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका 11 संख्याओं का एवरेज अगर आपसे 7 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी कर दी जाती है, यानी आपकी जो संख्याएं हैं, मैंने 1 को 2 कर दिया, 2 को 4 कर दिया, 3 को 6 कर दिया, मतलब इन संख्याओं को मैंने दुगनी कर दी है, और दुगनी संख्याएं करने पर आपका औसत में क्या हुआ, औसत भी आपका कितना हुआ, दुगना होगा। तो याद रखना, आपका जब भी दिया हो कि जितनी संख्याएं दी हुई हो उसका औसत दिया हुआ हो, अगर आपसे पूछा है कि अब जितनी संख्याएं दी हुई उनको डबल कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा, तो उनका औसत भी क्या होगा, डबल होगा। तो इनका औसत 7 दिया हुआ है तो इसका औसत डबल होके मतलब आपका 14 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, क्वेश्चन ये आए ये मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन कुछ भी बदल सकता है कि इसको 3 गुना कर दे, 2 गुना कर दे संख्याओं को, तो आपका एवरेज क्या होगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, डन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चले आगे, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक आपके पास दिया हुआ है, 50 विद्यार्थी हैं। इसका मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा जो आपको बेस्ट लगे, मेरे हिसाब से जो तरीका होगा, अगर आप बेसिक से करोगे बहुत बड़ा तरीका होगा, ठीक है, बेसिक से भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर आप किस प्रकार से करोगे, या फिर मैं बता दूँ आपको इसका करोगे, चलो कीजिए, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं बताने वाला हूँ आपको, दोनों तरीके से बताऊंगा, फर्स्ट तरीके और सेकंड तरीके, आपको याद रखना है सेकंड तरीके, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, इस प्रकार के हम आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे, बेसिक तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू हो जाइए, देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले। चलो मैं यही बता देता हूँ आपको, बस आपको ध्यान से देखना है, 50 विद्यार्थी दिए हुए हैं, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक आपके पास से दिया हुआ, चलो मैं बता रहा हूँ, 50 विद्यार्थी दिए हुए हैं और एक कक्षा में औसत अंक आपके पास 72 दिया हुआ है, विषय में लड़के, लड़के को हमने यहाँ पे रखा कि बॉयज है, ठीक है, विषय में लड़कों और लड़कियों यानी गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 है और आपके पास 75 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़कों को क्या माना हमने, एक्स माना, ठीक है, गर्ल्स को हमने क्या माना है, गर्ल्स को कितने टोटल विद्यार्थी हैं, जब 50 विद्यार्थी आपके कुल हैं, कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थी हमने क्या रखे हैं, कुल विद्यार्थी आपके पास 50 है, उसमें से हमने 50 विद्यार्थी, ओ सॉरी, एक्स विद्यार्थी हमने बॉयज रखे हैं, तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 50 में से आपके लड़के निकल जाएंगे तो जो बची है वो लड़कियां, ठीक है, डन है, ये तो संख्या है।
कितनी संख्या है ये आपकी बॉयज और गर्ल्स की संख्या है। ये अभी यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया है कि 30। हाँ मैं आपको हाँ ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं बेसिक तरीका समझा देता हूँ आपको, ठीक है। बी आंसर आया है 30, आंसर आया है सी, भी आंसर आया है लड़कों की संख्या 30 भी आंसर आया है। आगे देखेंगे, आगे देखिए फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। शॉर्ट इस तरीके से मत कीजिएगा कभी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से मत। आगे देखो, अब मैं कह रहा हूं आपसे, संख्या आपके पास दी हुई है, मैंने आपको कहा कि संख्या आपके पास दी हुई है, अगर आपसे इनका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना है, देखो लड़कों का औसत आपके पास दिया हुआ है 70, कितना 70, और लड़कियों का दिया हुआ है 75, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल बताइए, इन लड़कों का टोटल बताइए, तो लड़कों का टोटल कितना होता है, यहाँ पे देखिए लड़कों का टोटल, ठीक है, कितना 70x, कितना हो गया 70x हो गया। फिर आपसे बात करता हूँ मैं लड़कियों की, कि लड़कियों का टोटल कितना होता है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया संख्या से एवरेज को, तब योग आ गया टोटल बॉयज का, ठीक है, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इनका टोटल योग आ जाएगा, ठीक है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उनका औसत अंक आपसे दिया हुआ है, देखिए आपके पास 70x लड़कों का हो गया, प्लस करना है आपको क्या, 75 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 75 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले तो 0 आपके पास है, 25 आपके पास दिया हुआ है, और 5 7 35 33 आपका ये आंसर हो, ठीक है, और यहाँ पे आपके बचा है 75, ठीक है, ये वाली संख्या आपके पास है। अब इस वाली जो संख्या है गर्ल्स और ये बॉयज, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 25 माइनस कितना 75x, बराबर आपके पास क्या संख्या की वैल्यू है, आपके पास 50 विद्यार्थी है और उनका एवरेज 72 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 50 यानी 50 इंटू 72, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 आपके पास हो गया, 5 7 35 1 36 36। अब इसको सोल्व कीजिए, ये आपके पास एक मतलब समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को सोल्व कीजिए, 75 दिया हुआ है, 70 माइनस गए तो आपके पास माइनस के कितना बचा है, आपके पास यहाँ पे 37 50 बचा है, माइनस के 5x बचा है, और आपके पास 4 बचा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब ये इधर चले जाएगा और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी और ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, 36 में से माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 150 हो गया, 150। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 5 नीचे चला जाएगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, कितनी हो गई एक्स की वैल्यू, 30 हो जाएगी, और एक्स क्या माना है हमने, बॉयज की वैल्यू है, कितनी बॉयज की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो बॉयज 30 है और गर्ल्स कितने हो गए, 20। जो भी कक्षा में पूछा है उसका आंसर दीजिए, क्या पूछा है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए, तो आपके पास कितना होगा, 30 आंसर होगा। देखो ये कितना बड़ा हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरीके से आप करोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। इसको हम मिश्रण तरीके से करेंगे कि आपका बेसिक से आपका बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। किसी को इस बेसिक में डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको, शॉर्ट तरीका बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, चलो इसको बंद करते हैं। आपको अब ट्रिक बताता हूँ, आप किस प्रकार करते हो, देखो आपके पास केवल विद्यार्थी कितने हैं, 50 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में औसत अंक कितना है, औसत अंक यानी 50 जो टोटल विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक है 72, ठीक है, औसत है एवरेज, लड़कों का एवरेज आपके पास दिया हुआ है और लड़कियों का एवरेज आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखना है बॉयज,
और यहाँ पे लिखना है गर्ल्स, ठीक है। इसमें लड़कों की संख्या कितनी है 70, और लड़कियों की संख्या एवरेज, ध्यान रखना एवरेज है ये संख्या, ठीक है, एवरेज है। लड़कियों का एवरेज कितना है 75, याद रखना है। और दोनों का एवरेज कितना है, बॉयज और गर्ल्स यानी क्लास के पूरे स्टूडेंटों का एवरेज कितना है 72, आपको 72 यहाँ पे रखना है। एलिगेशन वाला जानते हो, एलिगेशन मिश्रण वाले, ठीक है, उस प्रकार से करेंगे हम। तो देखो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचा आपके पास, 2 बचा है, ठीक है। इसमें अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचा कितना है, कितना बचा 3, ठीक है। ये रेशो में आता है, कितना आता है, रेशो में आता है। ये दोनों संख्याएं किसकी है, रेशो बन गए आपके पास। बॉयज का रेशो 3 और गर्ल्स का रेशो 2 है, ठीक है। टोटल टोटल आपके पास स्टूडेंट दिए हुए हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स कक्षा में 2 ही पढ़ते हैं ना, बॉयज और गर्ल्स, तो आपको क्या करना है, दोनों को एड करोगे, 3 और 2 5, यानी 5 टोटल क्या है, 5 टोटल विद्यार्थी हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर टोटल संख्या दी हुई है विद्यार्थियों की 50, तो मल्टीप्लाई में आपको 50 रखना, यानी 5 क्या है, टोटल विद्यार्थी 50 आपके पास दिए हुए हैं। अगर आपसे जो भी पूछता है बॉयज या गर्ल्स, उसका मान यहाँ पे रख दो, ठीक है। जो मान देखो आपके पास 5 दिया हुआ है, यानी इस 5 की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, 50, 50 को यहाँ पे रखो। अब जिसकी मान आपको वैल्यू निकालनी हो, जैसे आपको बॉयज की वैल्यू निकालनी हो, बॉयज की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे रखना है 3, अगर आपको गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे रखना आपको 2, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे रखना, तो आपको देखो 5 आपके पास, 10 और आपके पास 30, तो आपका आंसर होगा 30, ठीक है। तो आपके बॉयज, ये आपके सबसे बेस्ट तरीका है, इसी को आप अपनाना। आप बेसिक से करोगे, आपके पास एक्स वाई चलता रहेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इस प्रकार के हम 2-3 क्वेश्चन निकालेंगे, फिर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये तरीका आपके समझ में आया है, ध्यान रखना ये तरीका आपका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, फिर देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 15 संख्याओं का एवरेज, मैं आपको बेसिक नहीं बताने वाला, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। वो ये 15 संख्याएं आपके पास दी हुई है, 15 संख्याओं का औसत आपके पास 7 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करोगे, पहली संख्या, पहली 8 संख्याओं का एवरेज। इस प्रकार के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं इस प्रकार के। तो देखो पहली 8 संख्याओं का एवरेज आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, और अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज आपके पास दिया हुआ है। बीच की संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल लोगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इसको देखिए, आंसर निकालिए, देखिए कौन इसका आंसर देगा, आंसर बता दीजिए इसका। इसका मैं नहीं बताऊंगा अब आपको, उसी तरीके से करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। देखो ट्रिक बताने में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके की कोशिश करता हूँ कि दोनों तरीके, डायरेक्ट में ट्रिक नहीं बता सकता। अगर आपको बेसिक आता है तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। ट्वेंटी थ्री आंसर आ रहा है क्या, सभी क्या आ रहा है? क्वेश्चन बताऊं कि नहीं बताऊं, ये बताइए आप। तो इसको सॉल्यूशन करवाना है या नहीं, अगला करें, सबको आता है लगभग। इस प्रकार के हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23 सभी का आ गया क्या, सभी को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? चले आगे, क्वेश्चन आगे चलें।
चलो देखते हैं, 15 संख्याओं का औसत आपके पास दिया हुआ है, चलो देखो 15 संख्याओं का एवरेज आपके पास दिया हुआ है, 15 संख्याओं का, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कर लोगे, टोटल आपको निकल, तो 15 सातें 105, यही होगा ना, ठीक है आपका 105। यदि पहली 8 संख्याएं, तो 8 संख्याओं का आपको टोटल करना है, टोटल कितना है 6.5, ठीक है टोटल इसका टोटल करो, टोटल करो तो 6.10 है क्या, 6.58 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 5 40 हो गए, और 8 6 48 आपके पास, 8 4 12 1 5, 520 आपके पास बचा है। कितना 8 संख्याओं का टोटल आपके पास कितना है, 10, यहाँ पे एक संख्या के बाद में है तो आपके पास है 50। क्लियर है, आगे देखिए, अंतिम 8 संख्याएं, फिर आगे आगे की 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का एवरेज आपके पास दिया हुआ है, तो अगर टोटल करोगे 8 संख्याओं का तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 संख्याओं की वैल्यू 9.5 है, इंटू 8 करोगे तो आपके पास इन दोनों की वैल्यू 8 5 40, ठीक है, और 8 9 72, 72 आपके पास है, और आपके पास ये बचा है 6 और 7, यहाँ पे 10, ठीक है क्लियर है। अब देखो 8 संख्याएं हैं आपके पास, 8 संख्या ये है, मतलब कि आपके पास तो 16 संख्या हो गई, संख्या तो अपने पास 15 है, जो संख्या आपके पास एक्स्ट्रा है, जैसे 8 8 16 संख्या हो गई, आप संख्या आपके पास 15 ही है, ये 16वीं संख्या आपके पास वो है जो बीच की संख्या, क्या है आपको बीच की संख्या पूछी ना, पहले इसको क्या करना है आपको, ऐड कर लो दोनों से, दोनों संख्याओं को ऐड करो, तो कितना हुआ आपके पास 8 है, ठीक है 8 है, और आपके पास 12, एक कितना हुआ 128, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर लेना है 16 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 105, इसके माइनस करोगे तो आपके पास कितना हुआ 23, 23 आंसर अगर माइनस करोगे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन, फिर भी अगर किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं, चलें आगे, डन कीजिए जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर चलें आगे, फिर दोबारा आपको ही देखना पड़ेगा। चलो ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, किसी परीक्षा में शोर तरीके से कीजिए, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आपके पास 30 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का के औसत अंकों का औसत अंक 35, अनुत्तीर्ण उम्मीदवार द्वारा एवरेज आपके पास 10 है, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, कोशिश आपको वो करना है कि आपको हो सके तो आपका वो जुगाड़ लगाओ बाद वाला, जो मैंने आपको दो तरीके बताए थे ट्रिक वाला, वो सिस्टम बिठाना है आप, हो जाइए शुरू, देखते हैं किसका आंसर आएगा, या फिर मैं एक और समझाऊं आपको फिर आप करोगे, चलो मैं ये समझा देता हूं आपको, फिर आपको कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बेसिक नहीं बताने वाला इसमें, बेसिक अब आपको करना है, ठीक है, चलो कीजिए, जल्दी से आंसर, इतना टाइम नहीं लगेगा, एटी आंसर आया है, देखते हैं, देखो बेसिक से, बिल्कुल देखो वही तरीका करना है, बेसिक से अगर भूल जाओ तब करना है, आपको करना क्या है, देखो परीक्षा में कितने विद्यार्थी 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आपके पास 30 दिया हुआ, ठीक है, उत्तीर्ण उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है, दोनों का अगर एवरेज दिया हुआ हो, जैसे उत्तीर्ण उम्मीदवार है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवार है,
दोनों का अगर औसत में दिया हुआ, औसत है और इसका भी औसत है और टोटल का भी औसत है, तो आपको करना क्या है, वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको ट्रिक के जरिए बताया, ठीक है। तो उत्तीर्ण करना है सबसे पहले, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण। अब इसका करना, उत्तीर्ण का कितना है एवरेज, कितना है 70, 35, ठीक है 35 है। अनुत्तीर्ण का कितना है 10 है। टोटल का, टोटल उम्मीदवारों का एवरेज कितना है 30। वही तिरछा माइनस करना है, ठीक है, इसमें कितना 20, इसमें कितना 5। रेशो में निकालना है, दोनों का रेशो निकालना है, रेशो निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1, अनुत्तीर्ण का 1 हो गया और इसका हो गया 4, ठीक है 4। तो आपका पास दोनों का रेशो कितना हुआ 4:1, ठीक है। अब आपको देखो कितना टोटल दिया हुआ है 100 उम्मीदवारों का, तो कितना है 4 और 5 दिया हुआ है, 5 रेशो, और ये रेशो किसका है, टोटल उम्मीदवारों का, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों हुए हैं उनका रेशो है, और टोटल उम्मीदवार कितना दिया हुआ है आपके पास, टोटल उम्मीदवार कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, चलो यहाँ पे लिख दीजिए 100, ठीक है। अब बात करना है जिसकी भी पूछे आपसे, जैसे आपको पूछता है, क्या पूछता है परीक्षा में, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या है, उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण वालों का रेशो कितना है 4, तो आपको 4 रखना है। अगर आपको अनुत्तीर्ण वाले पूछता है तो आपको क्या करना है, 1 रखोगे और 1/5 आपका ऐसा का ऐसा है, बस आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप इसे काट लो, आपका आंसर हो जाएगा 5×10, आपका 4×80 हो जाएगा। अगर फिर भी आपसे अनुत्तीर्ण का पूछता है 5×10 हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, मतलब आपका ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। देन ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन जल्दी से करना, इसी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का इसको किस प्रकार से करते हो, देखते हैं ये कौन सा तरीका अपनाते हो आप इसमें। एक विद्यालय दिया हुआ है, विद्यालय में सभी कर्मचारियों का एवरेज आपसे दिया हुआ है, एवरेज वेतन दिया हुआ है, 20 शिक्षकों का औसत वेतन दिया हुआ है, शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी काम करते हैं उनका एवरेज आपको दिया हुआ है वेतन का, शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों की संख्या कितनी है उनके बारे में बताना है, जल्दी से बताइए। ये तरीका कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी को। देखो विद्यालय दिया हुआ है, दो भाग दिए हुए हैं, दोनों का एवरेज अगर दिया हुआ है, तीसरे के मतलब टोटल का एवरेज दिया हुआ है, जब भी आपको टोटल का एवरेज दिया हुआ है, दो अलग अलग चीजें दी हुई है, शिक्षक स्टूडेंट विद्यार्थी जो भी दिए हुए हैं उनका भी एवरेज दिया हुआ है, तो आपको वही तरीका अपनाना है जो हमने गए क्वेश्चनों में किया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले, हो जाइए जल्दी से कीजिए। किसी का भी नहीं आया है, बता दूं मैं, चलो मैं बता देता हूं। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन आपके पास दिया हुआ है, औसत वेतन कितना है, देखो सभी कर्मचारी उनका औसत वेतन 10,000 है, इनमें से 20 शिक्षक है, चलो अच्छी बात है, शिक्षक है, शिक्षकों का औसत वेतन आपके पास 12,000 है, चलो लिख दिया 12, ठीक है ठीक है। अब आगे देखो, शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी ठीक है, कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन भी दिया हुआ है 5,000, ठीक है औसत वेतन है, ठीक है। तदनुसार शिक्षकों के अलावा, तो देखो टोटल इन दोनों का औसत है, इन दोनों का औसत आपको 10,000 दिया हुआ, ठीक है 10,000। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो आपके पास कितना बचता है, कितना बचता है आपके पास 2,000। अगर इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो आपके पास बचता है 5,000। ये रेशो में निकालना है तो 1, 2, 3, 3 से 3 0 कट गए, आपके पास रेशो बचा है 5 और 2 का, कितना 5:2, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो
शिक्षकों का अगर दिया हुआ है, शिक्षक कितने दिए हुए हैं, शिक्षक आपको दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे कुल नहीं दिया हुआ है। देखो जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के बारे में कहीं नहीं कहा गया कि 10 कर्मचारी है, 20 कर्मचारी है, 30 कर्मचारी है। जितने कर्मचारी देखा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 शिक्षक है, कितने शिक्षक है, यहाँ पे कुल कर्मचारी नहीं दिया हुआ, क्या पता कितने हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा क्या कहा कि 20 शिक्षक है और शिक्षक का हमारे पास रेशो कितना है, 5। शिक्षक का रेशो कितना है, 5 है। तो यानी 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20 दी हुई है, ठीक है। आपको पूछा किसकी वैल्यू है, शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी, और वो कर्मचारी कितने हैं, 2। तो 2 की वैल्यू निकाल, तो 5 चौका 20 हो गए, 4 दूनी 8, आपके पास कर्मचारियों की वैल्यू कितनी, 8 कर्मचारी, ठीक है, 8 कर्मचारी। डन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है इसका भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का एवरेज आपके पास 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत आपके पास 80 दिया हुआ है, लड़कों के प्राप्तांकों का आपके पास एवरेज आपके पास 60 दिया हुआ है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी बॉयज है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको लिखना है गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। एवरेज दिया हुआ है दोनों का, कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है लड़कियों का, 80 दिया हुआ है गर्ल्स, 80 दिया हुआ है गर्ल्स का, ठीक है। देखो टोटल नहीं करना है, टोटल आपको देखो अगर पूछता है वो, अगर यहाँ पे कुल सभी कर्मचारी जो दिए हुए कर्मचारियों का अगर टोटल पूछता आपसे, आपको यहाँ दे दिया कि कर्मचारियों का टोटल आपके पास देखो कितना है, 28 है, यहाँ पे आपको 20 नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, 20 नहीं दिया हुआ। अगर आपसे पूछा है कि आपके सभी कर्मचारियों का एवरेज कितना है, 28 है, ठीक है, 28 है, तब आपको क्या करना है, इन दोनों का, शिक्षक और कर्मचारी दोनों का एवरेज निकालो, कितना है, 7 है, 7 रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, नीचे 7 रखना है, मल्टीप्लाई टोटल सभी कर्मचारी कितने हैं, 28, यहाँ पे रखना है 20। अब आपसे जो भी पूछा है, जैसे शिक्षक के पूछा है, शिक्षक को लिखना है आपको 5, यहाँ पे रखो 5। अब आपको 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 बार में गया और 4 × 5 = 20, आपका शिक्षक कितने हैं, 20, जो आपके पास आंसर आ गया है। अगर आपसे पूछा जाता है 7, अगर वैल्यू पूछा जाता है किसकी, कर्मचारियों की, तो आपको वही करना है 28, और कर्मचारी कितने हैं, रेशो में आपके पास 2 दिया हुआ है, यहाँ पे रखना, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, आपके पास वही आंसर होगा, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पे सभी कर्मचारियों का औसत दिया होता तब की बात है, ठीक है, लेकिन आपके कर्मचारियों का नहीं, शिक्षकों का औसत पूछा है, इसलिए आपको मैंने 7 से नहीं, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपके पास गर्ल्स दी हुई है और बॉयज दिया हुआ है, गर्ल्स की संख्या आपके पास 80 एवरेज दिया हुआ है और बॉयज का आपके पास एवरेज 60 दिया हुआ है, ठीक है, डन, ठीक है। अगर टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है, 68, टोटल 68 दिया हुआ है, इसको इससे माइनस करोगे तो 8 बच गया, आपके पास इन दोनों का माइनस करोगे तो देखो कितना बचा है, 2 आपके पास और 1 आपके पास, कितना, 2। चलो देखते हैं, इनका रेशो निकालोगे, 4 दूनी आपके पास 8 हो गया, 4 × 3 = 12, आपका रेशो कितना हो गया, 2:3, ठीक है। अगर आपसे टोटल पूछता है, टोटल आपके पास कितना है, 5 है, और 5 दिया हुआ है, वैल्यू किसकी दी हुई है, कितना दिया हुआ है टोटल, अगर अच्छा आपको प्रतिशत पूछना है, जब भी प्रतिशत पूछे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से करो, ठीक है। अगर आपसे पूछा है प्रतिशत, पूछा है ना प्रतिशत विद्यार्थी, प्रतिशत के लिए 100 से, अगर जो टोटल पूछे हैं कितने विद्यार्थी पूछे हैं, जैसे आपको पूछे हैं कितने, आपको बॉयज पूछे हैं तो बॉयज के आपके 3 लगाना है, ठीक है। अगर आपको गर्ल्स के लिए पूछता है तो 2/5 × 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 5 दूनी आपका 10 हो गया, आपके पास कितना है, कितने प्रतिशत है, 60%, 3 दूनी 6, 60% हो गए, 5 दूनी 10, 40%, बोलो डन। अब उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार क्लास जरूर देख लीजिएगा,
उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने सारे डाउट यहीं पे क्लियर कर दिए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हो अपने एक बड़ी क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो अपने अपने दोस्तों के पास ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास, नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास के अंदर। तब तक बाय, सभी को मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के अंदर।